डीआरडीओ ने उड़ीसा के चांदीपुर में निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इस बार इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल समंदर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार को धोखा दे सकती है। और इसके बाद हम बात करते हैं भारतीय वायुसेना बहुत जल्द हवा से हवाएं मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK2 का परीक्षण करने वाली है। इस मिसाइल की रेंज 130 से 160 किलोमीटर है। इसकी स्पीड और सटीकता इतनी बेहतर है कि लोकेशन बदलने वाले टारगेट को भी खत्म कर देती है। इस मिसाइल से चीन और पाकिस्तान भी डरते हैं। तो पहले हम बात करते हैं निर्भय क्रूज मिसाइल की। उड़ीसा के चांदीपुर में डीआरडीओ ने निर्भय क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस बार इसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। यह मिसाइल समंदर से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार को धोखा दे सकती है। इस मिसाइल में स्वदेशी इंजन लगाने से इसकी ताकत और बढ़ गई है। इस दौरान रेंज सेंसर, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्रिक की के जरिए मिसाइल के पूरे रास्ते की ट्रैकिंग की गई। इस मिसाइल की उड़ान को वायुसेना के सुरखोई SU-30 MK-1 फाइटर जेट से भी ट्रैक किया गया। मिसाइल ने टेस्ट के सभी मानकों को पूरा किया। इस दौरान इसने सी स्कीमिंग यानी समंदर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरकर भी दिखाई। निर्भय मिसाइल ने परीक्षण के दौरान 864 किलोमीटर से 1111 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल की। इस मिसाइल ने टेरेन हैंगिंग कैपेबिलिटी भी है। यह ऐसी स्थिति होती है जिसमें उस पर निशाना लगाकर इसे निष्क्रिय करना बेहद कठिन हो जाता है। यह दो स्टेज की मिसाइल है। पहली स्टेज में सॉलिड और दूसरे में लिक्विड फ्यूल का यूज किया जाता है। यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक के परंपरागत हथियार ले जा सकती है और मैक्सिमम रेंज 1500 किलोमीटर है। जमीन से कम 50 मीटर ऊपर और अधिकतम 4 किलोमीटर ऊपर उड़कर टारगेट को ध्वस्त कर सकती है। इसमें ऐसी प्रणाली है कि यह रास्ते से अपनी दिशा बदल सकता है, यानी चलते फिरते टारगेट को भी नष्ट कर सकता है। यह समुद्र और जमीन दोनों स्थानों से मिसाइल लॉन्चर्स के लिए दागी जा सकती है। ऐसी उम्मीद है कि सेना में शामिल करने के बाद इन मिसाइलों को चीन से सटी सीमा LAC पर तैनात किया जाएगा। निर्भय 6 मीटर लंबी और 0.52 मीटर चौड़ी है। इसके पंखों की कुल लंबाई 2.7 मीटर है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल में ऐसी टेक्निक लगी है जिसके जरिए दुश्मन के टारगेट को खत्म करने से पहले उसकी तस्वीर और वीडियो खींचकर ही कंट्रोल रूम में भेज देगी। इस मिसाइल में स्वदेशी माइल्ड टर्बोफैन इंजन का उपयोग किया गया है। मिसाइल को बेंगलुरु स्थित DRDO लैबोरेटरी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट यानी कि ADE द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है। यह मिसाइल वे पॉइंट नेविगेशन का उपयोग करके समुद्र से कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के रडार को चकमा देने में सक्षम है। बेहतर और विश्वसनीय प्रदर्शन सुनिश्चित करने के लिए मिसाइल एडवांस एवियोनिक्स एंड सॉफ्टवेयर से भी लैस है। यह लंबी दूरी की सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित क्रूज मिसाइल है। मिसाइल को बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के तहत एक प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। यह हाई वैल्यू वाले लक्ष्यों पर एक्यूरेसी से हमला करने में सक्षम है। लॉन्च के समय निर्भय की लंबाई 6 मीटर, डायमीटर 0.5 मीटर और वेट 1500 से लेकर 1600 किलोग्राम था। यह 1000 किलोमीटर की दूरी तक जमीन पर मौजूद लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसमें एक सॉलिड प्रोपल्शन बूस्टर मोटर का उपयोग किया जाता है जो लॉन्च के तुरंत बाद बंद हो जाते हैं और टर्बोजेट इंजन में बदल जाती है। यह 100 मीटर से भी कम ऊंचाई पर 0.7 मैक यानी कि सबसोनिक स्पीड से घूमने और परिभ्रमण करने में सक्षम है। इसे 200 से 300 किलोग्राम के हथियार से लैस किया जा सकता है या कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरीके के हथियार ले जा सकने में सक्षम है। इसे कई प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। यह एक एक्टिव रडार टर्मिनल सीकर के साथ INS या GPS द्वारा डायरेक्टेड होती है। तो दोस्तों, आज की दूसरी खबर है अस्त्र MK2 मिसाइल की। भारतीय वायुसेना बहुत जल्द हवा से हवाएं मार करने वाली मिसाइल अस्त्र MK2 का परीक्षण करने वाली है। इस मिसाइल की रेंज 130 से लेकर 160 किलोमीटर है। इसकी स्पीड और सटीकता इतनी बेहतर है कि लोकेशन बदलने वाले टारगेट को भी खत्म कर देती है। इस मिसाइल से चीन और पाक भी डरते हैं। भारतीय वायुसेना जल्द ही अस्त्र MK2 मिसाइल का परीक्षण करने वाली है। हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल बियॉन्ड विजुअल रेंज कैटेगरी में आती है, यानी जहां किसी फाइटर जेट या अटैक हेलीकॉप्टर का पायलट नहीं देख सकता, वहां भी यह मिसाइल एकदम सटीक हमला करती है। अस्त्र MK2 अभी ट्रायल फेज में है। फिलहाल अस्त्र MK1 सेना में शामिल है।
वायुसेना इस मिसाइल के परफॉर्मेंस से संतुष्ट है। 200 मिसाइलों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। इसमें ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी फ्यूज लगा है, यानी यह मिसाइल टारगेट पर नजर रखती है, वह कितना भी दाएं बाएं हो उसे टकराकर फट जाती है। इसका वजन 154 किलोग्राम है, लंबाई 12.6 फीट है और डायमीटर 7 इंच है। अस्त्र MK2 मिसाइल में हाई एक्सप्लोजिव या फ्री फ्रेगमेंटेड HMX हथियार लगा सकते हैं। यह अपने साथ 15 किलो तक का हथियार लेके जा सकती है। इसकी रेंज 130 से 160 किलोमीटर है। यह अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकती है और यह 5,556.6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दुश्मन की ओर जा सकती है। इसकी खास बात यह है कि इसे टारगेट या छोड़ने के बाद बीच हवा में इसके डायरेक्शन को चेंज किया जा सकता है, क्योंकि यह फाइबर ऑप्टिक्स गायरो बेस्ड इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम पर चलती है। इस मिसाइल के पहले वेरिएंट को MiG-29 UPG, MiG-29K, सुरखोई, Su-30, MKI, तेजस, MK-1A में लगाया गया है। भारतीय वायुसेना पुरानी माइका मिसाइल की जगह स्वदेशी अस्त्र पर भरोसा जता चुकी है। अस्त्र मिसाइल को DRDO ने डिजाइन किया है। बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइलें फाइटर जेट को स्टैंड ऑफ रेंज प्रदान करती हैं। स्टैंड ऑफ रेंज का मतलब होता है कि दुश्मन की तरफ मिसाइल फायर करके खुद उसके हमले से बचने के लिए सही समय मिल जाता है। MK-2 के बाद MK-3 बनाई जाएगी। इसकी रेंज 350 किलोमीटर होगी, यानी इतने अलग अलग रेंज और वेरिएंट्स के साथ जब भारतीय फाइटर जेट सीमा या फिर युद्ध क्षेत्र पर जाएंगे तो उनकी गर्जना सुनकर ही दुश्मन की हालत खराब हो जाएगी। DRDO ने 23 अप्रैल 2024 को एक नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इस मिसाइल का नाम तो नहीं बताया गया, लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अग्नि प्राइम जैसी मिसाइल हो सकती है या फिर उससे बेहतर वर्जन। इस मिसाइल की रेंज इतनी है कि यह पाकिस्तान और चीन के कई शहरों को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। DRDO स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड SFC ने 23 अप्रैल को देश में बनी नई बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मध्यम दूरी की मिसाइल है। इस मिसाइल का नाम क्या है इसका खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन देश के रक्षा एक्सपर्ट यह मान रहे हैं यह अग्नि प्राइम मिसाइल का लेटेस्ट वर्जन है या उससे एडवांस कोई नई मिसाइल है। इस मिसाइल के बनने और सफल परीक्षण के बाद यह बात पुख्ता हो गई है कि देश की सुरक्षा में यह मिसाइल महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मीडियम रेंज की मिसाइल का मतलब है कि 800 से 2400 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकती है। वैसे लॉन्च प्लेटफॉर्म के हिसाब से मीडियम रेंज का मतलब बदल जाता है। अभी हाल ही में उड़ीसा के तट पर इसी रेंज से न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण भी किया गया था। 34.5 फीट लंबी मिसाइल का एक या मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल यानी कि MIRV वारहेड इसके ऊपर लगाए जा सकते हैं, यानी एक साथ कई टारगेट्स पर हमला किया जा सकता है। पहले हम बात करते हैं अग्नि 1 की। यह देश की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 900 से 1200 किलोमीटर है। यह 2002 से देश की सुरक्षा में तैनात है। भविष्य में अग्नि प्राइम इस मिसाइल की जगह लेगी। फिर हम बात करते हैं अग्नि 2 की। यह भी सतह से सतह पर मार करने वाली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 2000 से 3500 किलोमीटर है। यह भी पारंपरिक या परमाणु हथियार लेकर टारगेट पर हमला कर सकती है और यह 2010 से ही देश की रक्षा कर रही है। फिर बात करते हैं K-4 की। यह पनडुब्बी से दागे जाने वाली मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। उसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। यह भी देश के परमाणु और अटैक पनडुब्बियों में तैनात है। कहा जा रहा है कि अब जो टेस्ट किया गया है यह अग्नि परिवार की मिसाइल नहीं है। अगर ऐसा है तो भारत ने क्या एकदम नई मिसाइल बना ली है जिसके बारे में वह दुनिया को नहीं बताना चाहता? सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल ने सफलतापूर्वक अपने टेस्ट पास किए, टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। इसकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी बहुत ही शानदार है। इसमें कई नई टेक्नोलॉजीज लगी हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और फैक्ट के साथ। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।